Hello student, this is 8th class chemistry book and today we discuss chemical properties of metal and non-metal. Okay? In previous video we discussed that physical properties of metal and non-metal and today we discuss chemical properties of metal and non-metal. How does metal react with other substance and what product are from? Okay? First property is reaction with oxygen. Means what product formed when we react to metal with oxygen and we react non-metal with oxygen. तो मोस्ट मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम मेटल ऑक्साइड. मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड. एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे. एसिड और बेस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, एसिडिक और बेसिक. तो मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे. एंड मोस्ट मेटल आर बेसिक ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड मीन्स क्या, सपोज मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड. फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो विग्रेसली मतलब बहुत फास्टली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है, Na2O क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड. ऐसे जिंक ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और जिंक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड. ठीक है, ब्लू कलर की फ्लैम इसमें बनती है. मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड. नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे. एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर फ्रॉम एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होते हैं. मीन्स इनको जब वाटर में अगर मिक्स कर देते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड को तो एसिड बनता है. तो मेटल और नॉन मेटल में अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को अगर डिवाइड करते हैं विच इज़ मेटल और विच इज नॉन मेटल, तो उनमें डिफरेंस यही होगा मेटल और नॉन मेटल में कि मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर में होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो एसिड नेचर में होंगे. ठीक है, रिएक्ट करने पर ये भी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, बट इनका जो नेचर होगा मेटल का होगा बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल्स का क्या होगा, एसिडिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन इज नॉन मेटल एंड वेन रिएक्ट कार्बन विद ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी वेन वी डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. कार्बनिक ऑक्साइड एसिड इज फॉर्म. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो यहाँ पर कार्बनिक एसिड बनेगा. ठीक है, ऐसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी. सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो सल्फरिक एसिड बनता है H2SO3. तो ये एसिडिक नेचर में होगा और इधर इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर में होते हैं. रिएक्शन विद वाटर, यहाँ रिएक्शन विद वाटर में भी वही होगा. मेटल जो होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है. मोस्ट ऑफ द मेटल आर रिएक्ट विद मेटल एंड फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ऐसे ही सोडियम को अगर हम लोग लेते हैं, सोडियम विग्रेसली मेटल के साथ रिएक्ट करती है. अगर वाटर सोडियम को वाटर में डाल दिया जाता तो फ्लैम निकलती इस टाइप से. इसलिए इस एक्टिविटी को हम जब भी लैब में करते हैं तो टीचर्स की प्रिकॉशंस के साथ हम लोग को इसको पढ़ना होता है. अब मेटल सोडियम है प्लस वाटर, सोडियम को वाटर में मिक्स करने पर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हीट इवॉल्व हो रही है. ठीक है, ऐसे पोटेशियम भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है, बट यहाँ पर होता है कुछ मेटल्स जो होती है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेती. मोस्ट कुछ मेटल्स जो होती है वो वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करती, कुछ मेटल्स जो होती है वो रिएक्ट नहीं भी करती, जैसे गोल्ड सिल्वर को हम देखें. तो कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर विथ कोल्ड और हॉट वाटर और नॉट इवन विथ स्टीम. मीन्स कॉपर गोल्ड ये होती है मोस्ट जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, बाकी अदर मेटल्स जो मेटल के वाटर के साथ रिएक्ट करती है. और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और वाटर स्टीम. नॉन मेटल्स जो होती है वो वाटर नॉन वाटर स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करती. नॉन मेटल को तो वाटर में प्रिजर्व कर मतलब उसके भी रखा होता है, जैसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते तो उसको वाटर में डिप करके रखते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये थर्ड प्रॉपर्टी है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उनके सॉल्ट से. सपोज यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये है आयरन. Fe मीन्स होता है आयरन और Cu होता है कॉपर. तो कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो कॉपर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा और खुद सॉल्ट बना लेगा. आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को अलग कर देगा, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है. इसमें पोटेशियम सोडियम पूरे रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है कि विच मेटल आर हाई रिएक्टिव विच मेटल आर नॉन रिएक्टिव. जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो लेस रिएक्टिव मेटल होगी, ऊपर जाने पर मोर रिएक्टिव. तो अगर जब हम लोग इन मेटल्स की आपस में रिएक्शन करवाएंगे, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसकी लेस पर आ जाती है. ठीक है, सपोज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा. ऐसे कॉपर प्लस मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग होना पड़ेगा. अगर हम लोग कॉपर की आयरन सल्फ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है तो कॉपर इसकी प्लेस कभी ले ही नहीं पाएगा. ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स.
मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिविटी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पर जलती हुई कैंडल या कोई भी जब बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो पॉप साउंड जो होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है, तो हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. और नॉन मेटल्स जो होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. रिएक्शन विद गैस, तो रिएक्शन मेटल के जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं और नॉन मेटल जो होती है वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है. क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आप लोगों को राइट करने अपनी नोटबुक में. ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल, तो मेनी मेटल सच एज आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. दिस प्रोसेस रिएक्शन मेटल इन एयर विद द एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन. मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती है वो एयर के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन. द प्रोसेस ऑफ स्लोली वेयरिंग अवे अ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर और केमिकल ऑफ द सर्फेस इज कॉल्ड कोरोजन. मीन्स एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन या वाटर का मॉइस्चर या अमाउंट जो होता है उसके साथ मेटल जो होती है वो रिएक्ट कर लेती है और फिर एक लेयर अपने ऊपर बना लेती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन और दिस लेयर इज कॉल्ड डस्ट. तो कॉपर ऑब्जेक्ट डेवलप ग्रीन कोटिंग विद टाइम. कॉटन का अगर कॉपर के सब टैप को हम लोग बाहर रख देते तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा घर पे भी हम लोगों की मंदिर या भगवान के जो सामान होते लोठा और उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते, तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद बनते हैं. इसे सिमिलरली आयरन में भी जो मेटल के साथ रिएक्ट करते थे कि ब्राउन कलर की फ्लिकी लेयर बन जाती थी जिसको रस्ट. अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए या कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो अप्लाइंग पैंट ऑयल और ग्रीस, पैंट ऑयल और ग्रीस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या ग्लेविनाइजेशन कर सकते हैं. मीन्स लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं ऐसी मेटल जो वाटर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती उस एयर को उस मेटल को उस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करके. ठीक है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम लोग करवा सकते हैं उसको अनदर मेटल को उसके ऊपर डिपॉजिटिंग करवा के. तो ग्लेविनाइजेशन की प्रोसेस में जिंक की डिपॉजिट करवाई जाती है. ठीक है, यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो नॉन मेटल और नॉन मेटल की यूज़ कहाँ है, मेटल जो होते हैं मोस्ट ऑफ दी इंडस्ट्रीज में उसका यूज़ किया जाता है. देन वायर बनाने में जैसे कॉपर जो होता है वो वायर बनाने में उसका यूज़ किया जाता है, वो सारे यूटेंसिल्स बनाने में उसका यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम को भी ऐसी मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, बिल्डिंग्स इन सब बनाने में, पाइप्स बनाने में यूज़ किया जाता है. जिंक, तो जिंक का भी यही है कि जिंक की कोटिंग करवाने में भी हमने देखा था ग्लेविनाइजेशन में, तो उनमें उस प्रोसेस में जिंक का यूज़ किया जाता है क्योंकि जिंक मेटल के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते. इसे गोल्ड सिल्वर का हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं. नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के क्या क्या यूज़ है, नॉन मेटल्स जो है वो डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, ये सब नॉन मेटल्स है जो कार्बन के. डायमंड, तो डायमंड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस ऑन द अर्थ. इट इज़ वाइडली यूज इन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हम लोग पेंसिल में और इस लीड में उसका यूज़ करते हैं. चारकोल, तो चारकोल इज़ यूज्ड इन रिमूविंग कलरिंग मैटर इन रिफाइनिंग एंड कैन शुगर, शुगर की रिफाइनिंग में जो शुगर बनती है उसका कलर या उसको रिफाइनिंग में चारकोल का यूज़ किया जाता है. हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है अमोनियम गैस और इन सबको बनाने में. ऐसे सल्फर इज यूज्ड इन द हाइड्रेनिंग ऑफ रबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑफ सल्फर सच एस सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट, इन सबको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है. ऑक्सीजन को सिलेंडर में फिल किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए. फॉस्फोरस का यूज होता है क्रैकर्स और माचिस और मैचिस स्टिक को इन सब बनाने में यूज़ किया जाता है. इसे सिलिकॉन का, सिलिकॉन इज मेजर कंपाउंड ऑफ सैंड एंड इट इज मेजरली यूज इन द मेकिंग ऑफ चिप्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड चिप्स जो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की उसको बनाने में, सोलर सेल की वो प्लेट्स बनाने में उसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया. पूरा चैप्टर लर्न करना है आपको, रीड करना अच्छे से, इसके क्वेश्चन से कंप्लीट करना, नोटबुक हमें पीडीएफ बनाकर आप लोग सेंड करते जाइए जैसे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता जाए वैसे. ओके.